आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा, मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगरान। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक और डिजिटल स्ट्राइक चाइना पर की गई है। 118 ऐप्स चीन की एक साथ फिर से बैन की गई और बड़ी बात यह है कि उसमें पबजी भी शामिल है। रोहित, पबजी आज से हिंदुस्तान में बैन, मतलब इससे बड़ी शायद कोई खबर नहीं हो सकती इस समय पे, खास तौर पे अगर आप चीन वाले परिप्रेक्ष्य में इसको समझे। क्योंकि जो ऐप्स बैन हो रही थी उसमें अगर सबसे पॉपुलर कोई ऐप थी तो वो शायद पबजी ही थी। पबजी को लेकर जिस तरह से यूट्यूब का बिजनेस है, पबजी को लेकर जिस तरह से फेसबुक में लोगों ने पेजेस बना रखे हैं, और खास तौर पे पबजी को लेकर जो गेमिंग ऐप को लेकर, वो टीम इंडिया से लेकर और पूरा एकदम कहीं गांव में चले जाइए वहां पर हर कोई इसको खेलता है। और आपके फ्रेंड्स में भी, सर्कल्स में भी होंगे, मेरे में भी हैं, आप लोगों के में भी जरूर होंगे ऐसे लोग जो दिन रात हर समय पबजी खेलते हैं। ऑफिस से फुर्सत मिलती है तो पबजी खेलते हैं, घर पहुंचते हैं तो पबजी खेलते हैं। और इसका एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उमर जी, वो भी पबजी खेलते हैं बहुत ज्यादा। तो ये सारी की सारी चीजें, मैं ये कह रहा था कि खासतौर पर ऑफिस में भी मैं ये देखता हूँ अपने अपूर, कि लोग जरा सा फ्री टाइम मिलता है और पबजी शुरू कर देते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है पबजी को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरे हिसाब से तो हर 10 में से 8 लोग इस वक्त हिंदुस्तान में पबजी खेल रहे होंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी पबजी खेलते हैं, कम से कम चेन्नई सुपर किंग्स के कई सारे जो खिलाड़ी हैं वो पबजी खेलते हैं। और जो डिटेल्स हमारे पास आई है ये देखिए, ये पूरी की पूरी 100 मेरे ख्याल से इसमें पूरी 118 तो नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो है उसमें एक वीचैट है, वीचैट वर्क है, जो कैम कार्ड जो कि बहुत लोग रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, बाइडू एक ऐप है और ये लगातार अपडेट हो भी रहा है। तो इसमें ये सारी की सारी बड़े, मतलब सबसे बड़ा झटका जो है मेरे ख्याल से वेब ब्राउजर है इसमें, जो कई लोग यू नो नेट इंटरनेट के लिए यूज करने के लिए करते हैं। लाइव व्यू मीट देखिए ये भी एक है। इसके अलावा लूडो भी, लूडो ऑल स्टार भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो लूडो एक और गेमिंग ऐप है जो कि लूडो ऑल स्टार, क्योंकि लूडो के नाम से कई सारी ऐप्स हैं इस समय पे, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, लूडो ऑल स्टार करके इसका नाम है, ये भी बैन हो गई है। और इसके अलावा आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो VPN for TikTok, हाँ TikTok के इसके बाद एडवांसेस, कई वर्जन्स बने रहे थे कि आप वो वाला TikTok नहीं तो ये वाला TikTok चला लीजिए। TikTok इसमें एक और बहुत बड़ी स्ट्राइक थी जो कि पहली उन स्ट्राइकों में थी जब 58 ऐप्स बैन की थी भारत सरकार ने, और अब ये एक तो बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, TikTok उसमें था, शेयर इट उसमें था, ऐसे कई सारी लगभग टोटल 58 ऐप्स को बैन किया गया था। उसके बाद एक और ये बाइक रेसिंग एक गेम है, अब देखिए बाइक रेसिंग एक और गेम है, रेंजर्स ऑफ ओब्लिवियन एक और गेम है, जेड कैमरा एक गेम है, जियो SMS प्रो, यू डिक्शनरी, यू लाइक, टैन टैन एक और पॉपुलर गेम है। तो ये बहुत सारे पॉपुलर गेम्स जो इस वक्त पे बैन कर दिए गए हैं। पूरी की पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा झटका लगा है, जैसा हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि पबजी वो गेम जिसको भारतीय टीम के सितारों से लेकर हर छोटे से छोटा आदमी जो है गांव देहात में बैठा हुआ है वो हर शख्स खेलता है और दोस्तों के साथ जुड़कर खेलता है। जो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आप इसमें अपने दोस्तों को साथ मिलकर, और मेरा तो फोन भरा पड़ा रहता है इन सारी चीजों से लेकर, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ पबजी को, और अपूर्व भी खेला करते थे एक समय पे। लेकिन हमारे पास ये ऐप्स तब से नहीं है जब से हमें पता चला है कि एक चाइनीज ऐप है, उससे पहले ही हमने डिलीट कर दी थी, हमारे ऑफिस में सब लोगों ने डिलीट कर दी थी। तो आप लोग भी अगर अब तक खेलते थे तो आप लोगों को पहले ही डिलीट कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब तो डिलीट कर दीजिए क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश आ गया है कि ये ऐप भी बैन होगी। डिलीट नहीं करेंगे तो चलेगी नहीं, बाकी चलेगी नहीं, आपको अपना मोबाइल जो है। लोग सोच रहे थे जब TikTok बैन किया गया था तो उससे पहले अरे बैन होता है, मेरे ऑफिस में बैन होता रहता है, वो तो जिसके पास इंस्टॉल्ड है वो खेल लेगा, और बड़ा बाद में स्क्रॉल करे पड़े, चली नहीं रही। सही बात है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल पाए कि पबजी बैन हो गया है। अगर आप भी पबजी से मेरी तरह चिढ़ते थे तो फिर आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी लोगों को यह पता चल जाए इसे आपको डिलीट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।